हेलो सन मून एंड राइजिंग टॉरस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पर्सन की ट्रू इन सॉरी करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये एक जनरल रीडिंग होगी। टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज है। टाइमलेस मीन्स कि जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगा। इसके अलावा का आप मेरे दूसरे टाइमलेस मैसेजेस भी देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। और कलेक्टिव मीन्स जितना रेजोनेट करे उतना लें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। मेरे अदर चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सबके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं और आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी के टॉरस के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर टॉरस, टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। व्हाट आर करंट फीलिंग्स ऑफ टॉरस पर्सन। ओके, सो टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं फॉर टॉरस। व्हाट आर टॉरस पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर टॉरस। अंडरनीथ जो है आपके पर्सन के की एनर्जी है आर्ग्यूमेंट्स। हो सकता है कि एक मैसेज या कॉल के बाद आप दोनों का आर्ग्यूमेंट हुआ हो। बहुत ज़्यादा पैशनेट न्यू स्टार्ट के बाद जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट फीलिंग्स रखने के बाद आप दोनों इमोशनली सेम पेज पर थे बट फिज़िकली अट्रैक्ट हो रहे थे। बट हो सकता है कि फिर आपका आर्ग्यूमेंट हुआ हो आपके पर्सन के साथ और हो सकता है कोई सेजिटेरियस पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं और उनके साथ आपकी आर्ग्यूमेंट है या फिर जैसे क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं और बट यहाँ पे आर्ग्यूमेंट होता है, बात करने से आर्ग्यूमेंट हो रहा है। इस तरह की एनर्जी उनको ऐसे लगता है कि यहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है जिसको रिजॉल्व होने की ज़रूरत है। यस, वो चेंज चाहते हैं बट यहाँ पे उनके लिए चैलेंज है कि हो सकता है उनके ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले की वजह से वो चेंज नहीं ला पा रहे और हो सकता है वो आपसे इमोशनली डैच हुए हों या फिर वो एंडिंग उनको ऐसा लगता है कि एंडिंग्स जो हैं वो हो रही है इस रिलेशनशिप की। ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है जिस जो कि उनको चैलेंजिंग लग रहा है कि वो ये नहीं चाहते हैं। कुछ एंड होकर नया शुरू होना है, चेंज आ रहा है उनकी लाइफ में, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है लेकिन वो इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इस चेंज को, इस एंड को, जो एंड हो रहा है उसको चेंज नहीं कर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और वो इमोशनली वॉकआउट तो हैं बट आपके साथ वो एक प्रैक्टिकल न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपके साथ मूव ऑन करना चाहते हैं। हो सकता है वो अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा बिजी हों और इमोशनली तो वो डिटैच हो गए थे लेकिन अब जो है वो फील कर रहे हैं कि उन्हें अब सही से विद पीस ऑफ माइंड मूव ऑन करना चाहिए। पहले उन्होंने बहुत डिसअपॉइंटेड होकर मूव ऑन किया था बट अब वो इंट्यूटिवली अपने आप को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं जिसकी वजह से लिए हो सकता है वो प्रेयर्स मेडिटेशन ज़्यादा करें जिसके बाद वो पीस ऑफ माइंड में आ सकते हैं और फिर इस क्लैश से निकल सकते हैं और फिर वो उस मूव ऑन कर सकते हैं सक्सेसफुली कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए ये है कि वो इस क्लैश से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल के आपके साथ जो है दोबारा से पैचअप करने की कोशिश करें, मीन्स के सिचुएशन को बेटर बनाने की, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके आपके साथ मूव ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं इन फ्यूचर में और यह करना चाहते हैं इस वक्त में क्योंकि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं आपके साथ इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलने के लिए। हो सकता है वो बैठ के आपसे जैसे इसका कोई हल निकालने के लिए बात कर सकते हैं। इसके अलावा वो या तो टोटली कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं विदाउट यू और विद पीस ऑफ माइंड, जैसे कि ये नहीं कि वो इमोशनली डिसअपॉइंट होकर करें बट वो पीस ऑफ माइंड के साथ कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है। ओके, सो लेट्स सी इम्पार्शियलिटी। यस, वो बैलेंस लाना चाहते हैं, बैलेंस लाइफ में जो बैलेंस नहीं है उनकी
इमोशंस में जो बैलेंस नहीं है, अपनी अबंडेंस को पे वर्कआउट करना चाहते हैं, उस पे वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी अबंडेंस पे अबंडेंस चाहते हैं अपनी लाइफ की। गॉसिप हो सकता है, वो फ्रेंड्स फैमिली में ज़्यादा टाइम गुजार रहे हों या फिर किसी से आपके बारे में डिस्कस कर रहे हों ताकि उनको कोई सोल्यूशन मिले, फ्रेंड्स से हेल्प ले रहे हैं ताकि उन्हें कोई सोल्यूशन मिले तो उस सेपरेशन। तो यहाँ पे उन्हें एडवाइस की जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि इस सिचुएशन में जो अभी है उनका, कि ये सेपरेशन है और ये डिवाइन की तरफ से, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन होराइजन, तो अभी आपको ये सेपरेशन टाइम जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो आप अपना रोमांटिक जेस्चर शो कर सकते हैं बट सेपरेशन टाइम तो रहेगा। या कहा जा रहा है कि अभी सेपरेशन है और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में एक्सप्रेस करें अपने लव को, और अपने एक्स को भी रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक मैसेज है कि अब रिलीज़ एक्स को रिलीज़ करें और न्यू लव तलाश करें, ये उनके लिए हो सकता है एक मैसेज। दिस टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, अपनी एनर्जीज को क्लियर करने के लिए कहा जा रहा है उन्हें यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं डिवाइन की तरफ से, आपके पार्टनर के क्या मैसेजेस, हिडन मैसेजेस उनके दिल में क्या हैं जो उन्होंने आपसे कभी नहीं कहे इस वक्त में। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी, वो बहुत हैरान होंगे कि अगर आप उनके बगैर खुश रह सकते हैं। ओके, टाइमिंग वॉज जस्ट नॉट राइट फॉर अस, उनको लगता है कि टाइमिंग अच्छी नहीं थी आप दोनों के लिए जब आप मिले। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन, हो सकता है उनको लगा कि आप किसी और के साथ हैं जिसकी वजह से आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, फाइट्स कर रहे हैं। सो यस, इसलिए उन्होंने वो वॉकआउट कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है। I feel you leave me behind, तो उनका ऐसा लगता है कि आप उन्हें पीछे छोड़ देंगे या छोड़ रहे हैं, इसलिए वो भी मूव ऑन करने के हवाले से सोच रहे हैं अब। सो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस सिचुएशन में? विक्ट्री, उन्हें किसी ना किसी तरीके की विक्ट्री मिल सकती है। हो सकता है वो सक्सेसफुली मूव ऑन कर जाएं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, वो एक अपने आप में स्टेबल हो जाएंगे, चाहे इमोशनली स्टेबल हो चाहे फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो वो स्टेबल हो जाएंगे। जस्टिस, वो अपने साथ जस्टिस करना चाहते हैं और एक नई लाइफ जो है न्यू तरीके से स्टार्ट करने के हवाले से सोच रहे हैं विद ज़ीरो। और कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो दोबारा से आपके साथ एक रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहेंगे, अगर आप दोनों एक साथ मूव ऑन कर रहे हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बाद, तो वो आपको आपके साथ आपको कमिटमेंट भी ऑफर करेंगे और रिलेशनशिप को जस्टिस भी देंगे। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।